शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नीरज कुमार, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं मैजिकल मॉर्फर्स, जो कि दिल्ली एनसीआर में है, दिल्ली गुड़गांव में है, और 12 सालों का अनुभव आज हमारे शो पर हमारे साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर नीरज, आज मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक चीज पर चर्चा करने वाली हूँ, जो कहीं ना कहीं हम सब एक्सपीरियंस करते हैं और एक एम्बैरेसमेंट का कारण भी बनती है, और वो है डैंड्रफ, यानी कि रूसी। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि डैंड्रफ किस वजह से होती है। डैंड्रफ एक फंगस से होता है जिसका नाम है मेलेसिया, और ये हमारे स्कैल्प पे कॉलोनाइज करता है। और ये जो फंगस होता है, ये जहां जहां एक्यूट एंगल बनता है फेस पे, वहां पे ये गिरता है, फॉल करता है, और वहां पे इंफ्लामेटरी रिएक्शन करता है, मतलब कि वहां पे रेडनेस करता है, इचिंग करता है। ओके, तो ये है फंगस। और इसके बहुत सारे इसके जो कॉज हमने कॉजेटिव एजेंट बताया, लेकिन इसके पीछे जो है इसका रीजन बहुत सारा है। लाइक यदि किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उस केस में भी ये ज्यादा देखने को मिलता है, या हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं होता है उसमें भी मिलता है। यस, ओके। अच्छा सर, ऐसा है कि पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले डैंड्रफ की समस्या ज्यादा होती है? सी, ऐसा कुछ कोई डाटा तो नहीं है, फीमेल में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, डैंड्रफ कभी कभी थोड़ा स्प्रेड भी जरूर करता है। अच्छा, एंड सर उसके अलावा अगर हम डैंड्रफ की बात करें, तो क्या इसलिए भी होती है कि लोग अपना हेयर हाइजीन मेंटेन नहीं करते, रेगुलर शैम्पू नहीं करते, या तेल ज्यादा लगाते हैं, क्या उस वजह से भी डैंड्रफ होता है? बिल्कुल, जो जो कॉमन जो मिथ है, जो साधारणता लोग सोचते हैं कि हम ऑयल लगाएं, ऑयल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप उसको फिर से खाना दे रहे हो, डाइट दे रहे हो, तो जब खाना खाएगा फंगस तो और ग्रो करेगा। इसलिए हमें ऑयलिंग नहीं करना चाहिए जब तक फंगस ठीक ना हो जाए। सपोज करें कि आप कोकोनट ऑयल दे रहे हैं तो उससे और ज्यादा ग्रो करेगा, या मस्टर्ड ऑयल लगा रहे हैं तो उससे और ज्यादा ग्रो करेगा, इसलिए ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, एंड सर सर्दियों में सबको डैंड्रफ की समस्या ज्यादा रहती है, क्योंकि स्कैल्प ड्राई हो जाती है और बहुत इचिंग भी होती है, तो अगर ये आप हमें बताएं, तो क्या हमें कभी गर्म पानी से हेड बाथ नहीं लेना चाहिए? इसमें यदि इस केस में ज्यादा से ज्यादा हमें रेगुलर शैम्पूइंग करना चाहिए, और शैम्पूइंग जो है इसमें कीटोकोनाजोल एक एजेंट होता है, मेडिसिन होता है, उसके उसको मिक्स करके करना चाहिए। और उसी का बहुत सारा अभी आजकल नया ग्रुप भी आ गया है, तो कीटोकोनाजोल बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि लंबे समय तक उसको रखना स्कैल्प पे जरूरी है। लाइक 10 मिनट्स के लिए हम सजेस्ट करते हैं पर्सनली कि 10 मिनट्स के लिए उसको अप्लाई करें, एंड तब उसको वॉश, नहीं तो वो जाएगा नहीं। लोग कहते हैं कि हमने शैम्पू भी किया फिर भी नहीं गया, तो ये कारण है। और साथ साथ में इसके जो होने वाले कारणों के बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। ज्यादा लंबे समय से आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता, इसका बहुत सारा कारण होता है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताए। अच्छा, एंड सर डैंड्रफ के नेचुरल ट्रीटमेंट्स क्या है, और जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आप कैसे उनको डैंड्रफ का ट्रीटमेंट में आप क्या क्या चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं? डैंड्रफ का जो नेचुरल ट्रीटमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डैंड्रफ में, आप ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन पे ध्यान ना दें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कीटोकोनाजोल है शैम्पू, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल जिंक प्रिथियोन शैम्पू भी आने लगा है, और सेलेनियम सल्फाइड है, तो इन सब एजेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ में यदि डैंड्रफ का प्रॉब्लम कभी कभी इंट्रैक्टेबल होता है, काफी ज्यादा होता है और ठीक नहीं होता है, उस केस में हम सिस्टमिक मेडिसिन, ओरल मेडिसिन भी चलाते हैं, जिसका नाम है इट्राकोनाजोल। लेकिन इट्राकोनाजोल आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका दूसरे मेडिसिन से इंट्रैक्शन है, इवन ये हार्ट को भी प्रभावित करता है। तो
ये डैंड्रफ को आप बिल्कुल लाइटली ना लें कि डैंड्रफ है, इसको डर्मेटोलॉजिस्ट से ओपिनियन जरूर लें। अच्छा, एंड सर ये बताइए कि और क्या क्या ट्रिगर फैक्टर्स हैं फॉर डैंड्रफ, डैंड्रफ किन किन चीजों से ट्रिगर होती है? यस, पहला जो ट्रिगर हमने बताया, जो सबसे कॉमन ट्रिगर है और कॉमन मिथ है, वो ऑयलिंग है। तो मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, हमें बिल्कुल उससे बचना चाहिए। और जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, लाइक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, सपोज करी किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, या डायबिटीज नहीं है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है बॉडी में, तो जिसकी वजह से हमारा फेस में काफ़ी पिगमेंटेशन वगैरह बढ़ जाता है, और फीमेल के केस में हार्मोनल इंबैलेंस है, ये सब भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स। बिल्कुल, उसका बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि जब ये आपका हार्मोनल इंबैलेंस है बॉडी में, तो आपका डैंड्रफ जाएगा नहीं, केवल शैंपू लगाने से नहीं जाएगा, उस केस में आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओवरी फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो सही से काम करे, उसमें आपको डाइट और एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, अगर हम एक्सटीरियर फैक्टर्स की बात करें, आजकल लोग ट्रैवल करते हैं, धूल मिट्टी डस्ट पोल्यूशन है, स्कैल्प पे पसीना भी आता है, क्या उससे भी डैंड्रफ ट्रिगर होती है? बिल्कुल, उससे ट्रिगर होता है, लेकिन ये माइनर फैक्टर है, जैसा कि लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर है, ऐसा नहीं है, माइनर फैक्टर। उसके लिए उसके लिए आप शैम्पूइंग ठीक से करेंगे, 10 मिनट्स तक अप्लाई करेंगे यदि शैम्पू को, तो डिफ्यूज से आपको फायदा मिलेगा, और उसके बाद आप कंडीशनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कीटोकोनोजोल से ज्यादा रफनेस आ जाता है, बाल जो होते हैं रुके हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको शैम्पूइंग ये कंडीशनर भी अप्लाई करना चाहिए, लेकिन हाँ ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, कुछ लोग का डैंड्रफ ड्राई होता है, जो ऐसे एकदम झड़ने लग जाता है, कुछ लोग का ऑयली डैंड्रफ होता है, ये कैसे टाइप से और ये कैसे कैसे होता है? बिल्कुल, जो ऑयली डैंड्रफ है, इसका मतलब यही है कि जैसा कि मैंने बताया कि जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है, तो इस तरह के केस में हमें उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, और उस केस में हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या डर्मेटोलॉजिस्ट ओपिनियन की ज़रूरत है, और उस केस में हमें सपोज करिए हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको ट्रीट करो, इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको ट्रीट करो, ठीक है, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसको ट्रीट करो, या डाइट अपना ठीक करो, एक्सरसाइज करो, तभी वो ठीक हो सकता है। और जो एक आपने बताया कि ड्राई जो है, एक स्केलिंग काफी होता है, उस केस में कभी कभी वो सोरियासिस होता है, उसमें रेडनेस होता है स्कैल्प, उसको बोलते हैं सीबो सोरियासिस। तो सोरियासिस का प्रॉब्लम है, तो सोरियासिस के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, और साथ साथ में प्रॉपर उसका मेडिकेशन आता है, उसको लेना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो और एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं पिट्रियासिस एमेंटिएसिया, तो उसमें भी एस्बेस्टस लाइक स्केल्स बन जाते हैं, तो ये कुछ वेराइटीज हैं। तो जो सैलिसिलिक एसिड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये क्या करता है, केराटोलिटिक बोलते हैं इसको, मतलब स्केल्स को हटाने का काम करता है, तो जो सैलिसिलिक एसिड है उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर नीरज कुमार ने आज हमें डैंड्रफ के कॉजेस बताए, ट्रिगर्स बताए और ट्रीटमेंट भी बताया, और ये भी बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है आप तेल लगाएंगे और बालों की हर समस्या हल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं करना है। इसी के साथ डॉक्टर नीरज कुमार, जीमनी हेल्थ शो की पूरी टीम की तरफ से हम आपको थैंक यू कहते हैं, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाला और जीमनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, किसी और विषय पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत, मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा।